अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ हरे मसाले का चिकन, जिसके लिए मैंने ले ली है 2 चिकन। और अब इसमें ऑयल शामिल करके इनको फ्राई कर दूँगी। मसाले के लिए ये मेरे पास है धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। तो ये इस तरह से मैं इनको, जब वीकेंड पर हम ग्रॉसरी करते हैं तो ला के इस तरह से इनको प्रिजर्व कर देती हूँ। इस तरह से रखने से ये होता है कि एक हफ्ता आराम से पुदीना धनिया चल जाता है। और ये इनकी मैंने वीडियो भी की थी, ये तब की मिर्चें और बिल्कुल वैसी ही फ्रेश हैं जैसी मैंने इसमें रखी थी। मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ। धो के ड्राई करके और इनका जो हेड पोर्शन था जो वो उतार दिया था, तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं इनके कलर से भी और इनके टेक्सचर से भी अभी तक वैसी ही फ्रेश हैं। ये मिंट भी, तो पुदीना भी आप देख सकते हैं, ये भी मैं थर्सडे को लाई थी और आज ये मंडे है, तो आप इसकी फ्रेशनेस चेक कर सकते हैं। ज़रा से ये धनिया भी आप देख सकते हैं, धनिया पुदीना मैंने बस उनको हल्का सा साफ कर दिया था, धोया नहीं था। और इनके नीचे भी मैंने बॉक्स में शुरू में नीचे एक ते टिशू की लगा दी थी, फिर धनिया रख के एक ते ऊपर लगा दी थी। तो ये ऐसे तकरीबन एक हफ्ता आराम से चल जाता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप दही। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी मसाले जो इसमें शामिल करूँगी, उसमें है पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा, नमक और हल्दी। इसकी योगर्ट में डाल के मैं मिक्स कर दूँगी और इसको चिकन में शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन कुटावा, ज़रा भून लूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी योगर्ट, जिसमें हमने अपने तमाम मसाले डाल दिए थे। इसे मिक्स करके इसको मैं 5 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। हरा मसाले के लिए जो मैंने धनिया, पुदीना और मसाले के लिए मैंने ले लिया धनिया, हरी मिर्च और पुदीना, अब मैं इसको बारीक पीस लूँगी, थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी और उसके बाद ये चिकन में शामिल कर दूँगी। अब हम शामिल करेंगे अपनी रेसिपी में ब्राउन प्याज। अच्छी तरह मिक्स करके इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद भूनूंगी। व्यूअर्स, अब मैं शामिल कर रही हूँ हरा मसाला।
इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको 4 से 5 मिनट भून के फिर दम दे दूँगी इसको, और हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और फिर से जो लोग नए इस चैनल पे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।